Good morning, dear student. Welcome you all in VNPS classes. आज हम क्लास फर्स्ट के मैथ के बारे में बात करेंगे. क्लास फर्स्ट के मैथ हमने पिछली क्लास में कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था. इसमें देखेंगे कि हम कहाँ तक पढ़ लिए थे. ये सारी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो गार्जियन हैं वो आपको फिगर बना के दिए होंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ गया हो और सही तरीके से समझ में आया हो. बिगर एंड स्मॉलर हम पढ़ रहे थे. बिगर एंड स्मॉलर के बारे में हम जान रहे थे तो आज उसी के बारे में फिर से जानेंगे. यहाँ पे कलर करने के लिए दिया गया है बिगर एंड स्मॉलर. बिगर का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा. ठीक है, तो इस ये कुल्हाड़ी है और ये पेन है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? जो बड़ा है उस पे रेड कलर से हमको कलर करना है और जो छोटा है उसको हमको ग्रीन कलर से करना है. ऐसे ही नीचे दिया गया है एक बाल्टी है और एक मग है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो बाल्टी बड़ा है उसको रेड करेंगे और मग को छोटे से करेंगे यानी कि ग्रीन कलर से करेंगे. ठीक है, ऐसे ही आपको करना है. नेक्स्ट है टॉलर एंड शॉर्टर. ये टॉलर है, आई एम टॉलर देन यू किट्टू. किट्टू नाम की ये है तो ये कह रही है कि आई एम टॉलर, मैं तुमसे बड़ी हूँ. ये है जो स्टूडेंट है वो कहती है यस मैम आई एम शॉर्टर देन यू, मैं आपसे छोटी हूँ. अब यहाँ पे हमको देखना है, दिया गया है ट्रिक द टॉलर एंड क्रॉस द शॉर्टर. जो इसमें टॉलर है, इन दोनों में जो टॉलर है, टॉलर का मतलब जो बड़ा है उस पर हमें सही का निशान ऐसे लगाना है और जो छोटा है उस पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है. ठीक है, ऐसे ही एक बिल्डिंग है और ये एक छोटा सा घर है, इन दोनों में जो बड़ा है उस पर हमें सही का निशान लगाना है और जो छोटा है उस पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है. ठीक है, बाकी के सारे आप खुद डिसाइड करिएगा और सिंबल लगाते रहिएगा. टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन यहाँ पे अब जो दिया गया है वो दिया गया है क्रॉस, यानी कि गलत का निशान लगाना है. द टॉलेस्ट एंड ट्रिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, और सही का निशान जो है छोटे ऑब्जेक्ट पे लगाना है. इसमें अब कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, इसमें हमको क्या करना है, बड़े वाले पे क्रॉस का निशान लगाना है. तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एलिफेंट. एलिफेंट बड़ा है तो इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे. और सबसे छोटा कौन सा है? तो रैट है, तो रैट जब छोटा है तो इस पर हम ट्रिक लगाएंगे ऐसे. ठीक है, वैसे ही इसमें हमारा जो सबसे छोटा है वो ये पक्षी है तो इस पर हम ऐसे ट्रिक लगाएंगे यस का, और ये जो सबसे बड़ा है उस पर हम क्या करेंगे? क्रॉस का लगाएंगे. ठीक है, बाकी के दो आप थर्ड एंड फोर्थ आप खुद से करिएगा और अपने गार्जियन से हेल्प लीजिएगा. मैं गार्जियन से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप ये फिगर नहीं बना सकते हैं तो कोई भी फिगर ऐसा बना दें जिससे बच्चे को समझने में आसानी होगी कौन सी वस्तु बड़ी है या कौन सी वस्तु छोटी है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थिकर एंड थिनर. थिकर क्या होता है? थिकर मतलब होता है मोटा और थिनर मतलब होता है पतला. थिकर का मतलब क्या होता है? मोटा, और थिनर का मतलब होता है पतला. अब पेंसिल इज थिनर, जो पेंसिल है वो क्या है? पतला है. किसके अपेक्षा? बनाना इज थिकर, और बनाना जो है क्या है? केला. केला की अपेक्षा जो है पेंसिल क्या है? पतली है. केला मोटा होता है और पतली पेंसिल होती है. ठीक है, ऐसे ही आपको आगे फिगर दिए गए हैं, इनमें ट्रिक लगाना है. ट्रिक कैसे लगाना है? ट्रिक द थिकर, जो थिकर है मोटा है उस पर क्रॉस का सिंबल देना है और जो थिनर है पतला है उस पर करेक्ट यानी कि सही का सिंबल देना है.
हमारे पास एक पेंसिल है और एक कैंडल है। इन दोनों में जो सबसे मोटा होगा वो कौन सा होगा? कैंडल होगा। तो जब कैंडल मोटा है तो उस पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। और पेंसिल हमारा पतला है तो इस पर हम ट्रू का सिंबल यानी कि सही का सिंबल ऐसे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट एंड मंकी। एलिफेंट हमारा क्या है? मोटा है, बड़ा है, तो हम इस पे क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। और मंकी हमारा छोटा है, पतला है, तो इस पे हम क्या करेंगे? सही का ट्रिक लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आपको भी अप करने हैं। मैं बार बार गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को फिगर बना के जरूर दें। अगर आप एज इट इज जो फिगर दिया गया है वो आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई और भी फिगर आप बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए कि कौन सी वस्तु मोटी है या कौन सी वस्तु पतली है। ठीक है, नेक्स्ट है थिकर एंड थिनर में। अब इस फिगर में आपको जो है कलर करने हैं। अब इस फिगर में आपको क्या करना है? कलर करने हैं। जो थिकर है उसको रेड कलर से करना है और जो थिनर है उसको ब्लू कलर से करना है। तो ये भालू है और ये डॉग है, इन दोनों में थिकर कौन है? तो भालू है। ठीक है, तो इसको हम रेड कलर से करेंगे। और ये हमारा थिनर है, ये पतला है, भालू के अपेक्षा क्या है? ये डॉग हमारा पतला है, तो इसको हम ब्लू कलर से करेंगे। अब वही है कैंडल की बात। ये एक 5 रुपए की कैंडल है और ये 1 रुपए की कैंडल है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो क्या होगा? 5 वाला जो होगा वो मोटा होगा कैंडल, और जो 1 रुपए वाला जो कैंडल होगा वो पतला होगा। तो जो मोटा होगा उसको हमको किस कलर से करना है? रेड कलर से। और जो पतला होगा उसको हमें किस कलर से करना है? ब्लू कलर से। नेक्स्ट आप खुद करिएगा, आगे चलते हैं। मोर एंड लेस। यहाँ पे मोर मतलब होता है अधिक और लेस मतलब होता है कम। वी आर मोर देन यू, ये कह रही है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा हूँ। और ये कहते हैं वी आर लेस देन यू, और ये कह रहे हैं कि हम क्या है? तुम लोगों से कम है। ठीक है, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे एम और एल पे। एम मतलब होता है मोर और एल का मतलब होता है लॉस। ठीक है, यहाँ पे दो बॉकेट दिए गए हैं। इन दो बॉकेट में एप्पल्स हैं। इन दो बॉकेट में क्या है? एप्पल्स हैं। तो इन दोनों बॉकेट में जो एप्पल है वो उनमें कौन से सब में सबसे ज्यादा है? मोर है। तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ये मोर है। तो मोर वाले में क्या लिखेंगे? एम। ठीक है, और यहाँ पे लेस है, यहाँ पे दो ही है, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे 5 4 है और ये 3 है, तो ये मोर है, 4 है तो मोर हो गया, तो मोर है तो यहाँ पे एम लिखेंगे और यहाँ पे एल। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे चार्ट को बनाना है। अब रिलेशनशिप पे आते हैं। टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा और बॉटम का मतलब होता है सबसे निचला हिस्सा। जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग में हम अगर एक जैसे अपने स्कूल की अगर हम बात करें तो जो नर्सरी का क्लास है वो हमारा टॉप सॉरी वो हमारा बॉटम का क्लास है। और जो क्लास 6 क्लास 5 की जो क्लासेस जिसमें चलती हैं, 4th की क्लासेस, 7th की क्लासेस, 8th तक की क्लासेस, जो जो भी हमारी क्लासेस चलती हैं ऊपर की, वो हमारी क्या है? टॉप की क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक लड़का है, सोनू इज ऑन द टॉप। इस सोनू नाम का लड़का है, वो घर के सबसे ऊंची ऊंची जगह पे स्थित है यानी कि खड़ा है। नेहा इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हाउस। नेहा नाम की एक लड़की है जो उस बिल्डिंग उस घर के जो है नीचे दरवाजे पे क्या है? खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एंड अंडर। ऑन मतलब होता है ऊपर और अंडर मतलब होता है नीचे। जैसे अगर टेबल के ऊपर अगर हम कोई चीज रखते हैं तो उसको कहते हैं कि द
जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर अगर हमने अपना बुक रख दिया तो बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि हमारा किताब क्या है, टेबल पे है। अगर आप अपना बैग रखते हैं तो लिखेंगे द बैग इज ऑन द टेबल, यानी कि आपका बैग कहाँ पे है, टेबल पे है। और अगर अंडर की बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं, अगर बिल्ली जो है चेयर के नीचे आ जाती है तो उसको लिखेंगे द कैट इज अंडर द चेयर, यानी कि कैट क्या है, चेयर के नीचे है। अगर बिस्तर के नीचे चली जाती है तो कैट इज अंडर द बेड, ठीक है। ये रहा हमारा ऑन एंड अंडर। अब चलते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब क्या होता है और आउटसाइड मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम क्लासरूम में हैं तो वो हमारा क्या है, इनसाइड है। और जब अगर हम क्लासरूम से असेंबली टाइम में जाते हैं, असेंबली में अगर रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, तो वो हमारा क्या है, आउटसाइड है। वैसे यहाँ पे फिगर दिया है द पैरेट इज इनसाइड द केज, जो पैरेट है वो क्या है, पिंजरे के अंदर है। द बॉय इज आउटसाइड द केज, और जो लड़का है वो कहाँ है, पिंजरे के बाहर है। नेक्स्ट है नियर एंड फादर। नेहा इज नियर हर फादर, नेहा क्या है, अपने पिताजी के एकदम पास है, खड़ी है। नेहा इज फॉर फ्रॉम हर मदर, और नेहा जो है अपनी मम्मी से कुछ दूरी पर, या केवल दूरी कहा जाए तो केवल दूरी पर स्थित है। तो नियर का मतलब होता है पास और फर्दर का मतलब होता है दूरी, ठीक है। आगे चलते हैं एबव एंड बिलो। एबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि टॉप एंड बॉटम यहाँ पे बताया गया है, तो टॉप का मतलब बताया गया जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, और जो सबसे नीचे का स्थान होता है वो उसको क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम ब्रेड रखते हैं, अगर हम ब्रेड रखते हैं तो ब्रेड को एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रखते हैं तो वो हमारा क्या होते हैं, एबव होते हैं। जो ऊपर का ब्रेड होगा वो एबव ब्रेड होगा, और जो नीचे का जो ब्रेड होता है उसको हम बिलो ब्रेड कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो दो बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। एक बॉक्स जो पिंक कलर का है वो ऊपर है, और जो ब्लैक कलर का है वो नीचे है, ठीक है। ओवर एंड अंडर। ओवर क्या होता है और अंडर क्या होता है। ओवर मतलब के ऊपर से और अंडर मतलब नीचे से ही। अगर कोई कार जाती है तो आप उस कार को जो है, अगर ब्रिज एक बना होता है, उस ब्रिज जैसे पुल आपने देखा होगा, नदी क्रॉस करते समय पुल आपने देखा होगा, तो जो पुल जो बना होता है वो क्या होता है, ब्रिज में होता है, वो क्या होता है, ब्रिज होता है। और जो नदी का बहाव जो होता है, जहाँ से नदी को तैर के पास पार किया जाता है, वो क्या होता है, अंडर होता है, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट एंड राइट। द डॉग इज टू द राइट ऑफ द गर्ल, जो डॉग है वो क्या है, लड़की के जो है राइट साइड में है। और द कैट इज लेफ्ट ऑन द गर्ल, और जो कैट है, बिल्ली है, वो लेफ्ट साइड में, लड़की के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ट्रिक द मंकी नियर द बनाना ट्री, जो उस पे ट्रिक करना है, जो बनाना जो पेड़ है यानी कि केले का जो पेड़ है उसके पास जो मंकी है उसको ट्रिक करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो बंदर है वो बनाना ट्री के पास है, तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे ऐसे सही का, ठीक है। सेकेंड है टिक द नियरेस्ट एंड फॉल्स द फारदेस्ट थिंग्स फ्रॉम द ट्री, बस नियर है या फार है, बस जो है वो नियर है या फार है, वो फार है। फार बॉय, बस फार बॉय। अब यहाँ पे बॉय के पास नियर और फार, बॉय क्या है, किसके पास है, नियरेस्ट एंड द फॉर द ट्री, ट्री से हमको देखना है, ट्री से कंपेयर करना है, ट्री से जो है वो नियर है या पास, बस जो है कहाँ है,
फॉर की दूरी पे है, थोड़ी दूरी पे है, तो यहाँ पे फॉर, बॉय भी दूरी पे है, पेड़ से काफी दूर है ना, तो यहाँ पे भी फॉर, बर्ड, ये बर्ड है, ये बर्ड कहाँ है पेड़ के नियर, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे ट्री, और जो रैबिट है वो भी है हमारे कहाँ है पेड़ के पास है, तो यहाँ पे भी नियर लगाएंगे, ठीक है। द फ्लैग इज ऑन द, जो फ्लैग है वो ऑन द टॉप है, ऑन द क्या है टॉप है, यहाँ पे टॉप लिखेंगे, ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे टॉप पे ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन बिल्डिंग, जो लड़का है वो बिल्डिंग पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है टॉप पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है टॉप पे खड़ा है, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें लगाने हैं कि कौन सा आउटसाइड है कौन सा इनसाइड है, द बॉय आर स्टैंडिंग, जो लड़के खड़े हैं वो कहाँ है बस के कहाँ है, आउटसाइड में है या इनसाइड में है, तो ये ऑब्वियसली बाहर है तो आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड पे ट्रिक लगाएंगे और यहाँ पे फॉल्स का ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। द डॉग इज सिटिंग, द डॉग इज सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन द ट्री होगा तो यहाँ पे ऑन होगा, सॉरी द डॉग इज सिटिंग द ट्री, डॉग जो है किसके नीचे है, नीचे है यानी कि अंडर होगा, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री होगा, ऑन नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अंडर द ट्री होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, द डॉग जंप, डॉग जो है जंप कर रहा है, ठीक है, ओवर होगा या अंडर होगा, अंडर मतलब होता है नीचे से, ओवर मतलब होता है ऊपर से, ठीक है, तो ओवर होगा क्योंकि डॉग जो है ऊपर की तरफ से कूद रहा है। ऐसे ही आपको दो और दिए गए हैं, वो आप करिएगा। ये रहा आज का हमारा प्रोजेक्ट, आज का हमारा काम, और उम्मीद करता हूँ कि गार्जियन सपोर्ट करेंगे, आप बच्चों का हेल्प कीजिए फिगर बनाने में, अगर फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं से प्रिंट आउट निकलवा मिल जाए तो प्रिंट आउट आप बच्चों को देके कलर करवा सकते हैं, ताकि बच्चे अपने होमवर्क को सही तरीके से करें। थैंक यू सो मच, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर आगे क्लास में पढ़ेंगे, थैंक यू।